हेलो दोस्तों, मैं आपको होश आपको दोस्त अंसार अहमद और देख रहे हैं जीजा। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम ईमो का एक दूसरा अपडेट लेके आ गए हैं। अगर आप ईमो का बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तभी आपको ये अपडेट मिलने वाला है। तो क्या है, आप अपने प्रोफाइल में जाइएगा, जैसे ऊपर मेरा नाम और फ़ोन नंबर फ्लेक्स कर रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा तो आपको राइट साइड से एक म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर कुछ म्यूज़िक प्ले हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले सेट किया हूँ तो यहाँ पर प्ले हो जाती है। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग मोड में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सैड है, फनी है, ये सब आप चाहें तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। और किसी भी म्यूज़िक को यहाँ से चूज़ करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल जब भी आप खोलेंगे यहाँ पे प्ले हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, ऐड मोटो। जैसे आपका स्टेटस था यहाँ पे मोटो, यानी आपका क्या प्लान है, यहाँ पे मोटो उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेलकम टू ज़िगज़ैग अपने चैनल का नाम दे दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। यहाँ पे इसके फॉन्ट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बना है नीचे, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा ए पे तो आपका फॉन्ट को इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। लार्ज मीडियम आप जितने पे चाहें रखना चाहें रख सकते हैं। उसके साथ ही आप इसको चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेड कलर रखते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपने यूज़र नेम जो है नीचे यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसको सेव नहीं करना पड़ेगा, ये हालांकि ओल्ड मतलब अपडेट है लेकिन यहाँ पे इसको साथ में हम बता रहे हैं। सिंपली आप इसको शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई आपका ईमो नंबर मांगता है तो सिंपली इसको शेयर कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक करेगा आपका ईमो ओपन हो जाएगा, आप विदाउट कॉन्टैक्ट को सेव किए। अगर आप अपना खुद का यूज़र नेम बनाना चाहते हैं सिंपली आपको जो यूज़र नेम है उस पर क्लिक करना होगा, और उस पर क्लिक जैसे करेंगे आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पे आप अपना जो भी यूज़र नेम देना चाहें दे सकते हैं, और देने के बाद ऊपर डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर यूज़र नेम अवेलेबल है तो ग्रीन रहेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको इसको मार्क करेगा कि ये आपका अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों अपडेट अपने ईमो में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपने ईमो को बीटा वर्जन में करना है और ये फीचर आप आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए याद है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।